हेलो, हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे और बहुत खुश भी होंगे। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां हो गई हैं। आपको तो इन्हीं की लगी रहती है। अब छुट्टियां पूरी होंगी या नहीं होंगी ये भी हम नहीं कह सकते, तो इसलिए छुट्टियों के साथ साथ पढ़ाई का भी मजा लो थोड़ा सा। तो इसके लिए हम लेके आए हैं आपके लिए ज्ञान भारती, जो व्याकरण की आपकी बुक चल रही है सिलेबस में, तो उसमें हम आज पहला चैप्टर, पहला पार्ट है आपका भाषा और व्याकरण, उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, भाषा और व्याकरण, तो इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं भाषा और व्याकरण के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा देखते हैं। भाषा की परिभाषा मतलब भाषा क्या होती है। भाषा एक साधन होती है। भाषा एक वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को या मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उनको समझाते हैं तथा दूसरों के विचारों को हम ग्रहण करते हैं, उनको समझते हैं। तो उस साधन को, उस माध्यम को भाषा कहा जाता है। दूसरी बात, भाषा के भेद। भाषा के भेद दो होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है हमें। भाषा
यह व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, सबसे पहले तो बोलेंगे तो बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, वह शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के विभाग होते हैं, व्याकरण के चार विभाग होते हैं। सबसे पहला विभाग वर्ण विचार विभाग, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार, और बच्चों चौथा है इसका विभाग वाक्य विभाग। इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। वर्ण विचार में क्या करते हैं, हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उनके जो उदाहरण होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। शब्द विचार में हम पढ़ेंगे शब्द कैसे बनते हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उनकी रचना कैसे होती है, किस प्रकार की है वो, उनका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पद विचार, इसमें हम पढ़ेंगे कि पद शब्दों को ही पद कहा जाता है वैसे तो, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वो बदल जाते हैं, तो पद विचार में हम पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से अपना रूप परिवर्तित करते हैं, अपना रूप बदलते हैं। वाक्य विचार, वाक्य विचार में हम पढ़ेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, कैसे बनता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, कौन से अंग होते हैं, कितने प्रकार का होता है, तो वो सब वाक्य विचार में पढ़ेंगे। ये हम इन चारों चीजों के बारे में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। फिर है भाषा के साथ संबंध, व्याकरण का भाषा के साथ क्या संबंध है, भाषा का व्याकरण के साथ संबंध माँ बेटी का संबंध है, अर्थात भाषा पहले बनती है और उसका जो व्याकरण है वो बाद में बनता है। तो भाषा और व्याकरण का संबंध कैसा हुआ, माँ बेटी का संबंध हुआ। व्याकरण जो है भाषा की रक्षा करता है, उसका पोषण करता है और उसको स्थायी रूप से रखने के लिए उसकी मदद करता है। यदि हमें भाषा आती है लेकिन उसका व्याकरण नहीं आता तो वो स्थायी रूप से चिरस्थायी अर्थात लंबे समय तक वो नहीं रह सकता। अर्थात हम मौखिक रूप से बोलते रहेंगे तो हम हमारा कितना है जीवन, कुछ भी तो नहीं है। तो यदि हमें लिखना भी आता है उसके साथ साथ व्याकरण के बारे में, तो व्याकरण के बारे में हम लिखेंगे तो वह क्या हो जाएगा, चिरस्थायी हो जाएगा। तो ये हमारा भाषा और व्याकरण पाठ पूरा हो गया। इसके बाद में छोटे छोटे और क्वेश्चन बनते हैं। राजभाषा, राजभाषा क्या होती है, राजभाषा राज मतलब राज्य, तो राजभाषा बच्चों क्या होती है कि राज्य सरकार के काम जिस भाषा में किए जाते हैं वह राजभाषा होती है, और सभी राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। फिर है राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे कि एक राष्ट्र में किसी भी राष्ट्र में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा होती है। और हमारी राष्ट्रभाषा किसे माना गया है, हिंदी को माना गया है। माना गया है ये बात मैंने यहाँ पे इसलिए बताई क्योंकि हिंदी को अभी अपना पूरा अधिकार, राष्ट्रभाषा बनने का पूरा अधिकार प्राप्त नहीं है। क्यों, क्योंकि जो भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में अधिकतर राज्यों में और ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। केवल 10 राज्यों में, जितने भी राज्य हैं उनमें से केवल 10 में ही हिंदी भाषा बोली जाती है, तो पूरी तरह से राष्ट्रभाषा का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। लेकिन फिर भी हिंदी को ही माना जाता है उपभाषा। ये भाषा का भी छोटा रूप होता है। उपभाषा का प्रयोग पढ़े लिखे लोग, सभ्य लोग करते हैं और इसी भाषा में हमारा जो साहित्य होता है वो लिखा जाता है। बोली, इसको हम अनपढ़ों की भाषा कह सकते हैं वैसे तो, और बोली का रूप क्षेत्रीय रूप होता है, बहुत छोटे क्षेत्र में, बहुत सीमित क्षेत्र में बोली जाती है ये बोली। मानक रूप, भाषा का मानक रूप क्या होता है, शिष्ट जो मंडल होता है, सभी लोगों का जो समाज होता है, या हम कहें व्याकरण, जिसने भी व्याकरण बनाया है उसने भाषा का मानक रूप तैयार किया है, तो वो क्या होता है, भाषा का मानक रूप। अच्छा बच्चों, अच्छा बच्चों, आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कल की क्लास अब आगे देखेंगे हम।